गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द चैप्टर ऑफ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। हमने देखा कि किस तरह से वाइट लाइट का ग्लास प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्जन यानी स्प्लिटिंग होती है और हमें डिफरेंट कलर के स्पेक्ट्रम की प्राप्ति होती है। इस स्पेक्ट्रम में रेड कलर स्टूडेंट सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है और वायलेट कलर सबसे ज़्यादा नीचे सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है। बिकॉज वायलेट कलर हैज़ लीस वेवलेंथ वेयर एज रेड कलर हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ, इसकी वजह से ऐसा होता है। स्टूडेंट टूडे नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेट्स टॉक नाउ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। The refraction of light caused by the Earth's atmosphere is known as atmospheric refraction. Friends, एक ऐसा refraction जिसे Earth के atmosphere के द्वारा cast किया जाता है, that refraction is known as atmospheric refraction. Clear? अब देखिए स्टूडेंट्स, इस atmosphere के अंदर light का refraction किस तरह से हो रहा है या होता है। Friends, have you observed the field in summer season? Then you find that ki the air is appear in the wavering form or fluctuating form. आपने गर्मी के दिनों में फील्ड को देखा होगा या किसी फर्नेस भट्टी के ऊपर की एयर को आप देखिए तो वो फ्लक्चुएट करते हुए यानी वेवरिंग करते हुए आपको अपीयर होती है, दिखाई देती है। फ्रेंड्स, सेम एज आप इस एटमॉस्फेयर के अंदर जानते हैं कि एयर पाई जाती है। क्या होती है? एयर होती है। और ये एयर जो होती है इसमें से कुछ एयर यानी द एयर विच इज फाउंड एट द टॉप मोस्ट लेवल इज फाउंड इन द कॉन्टैक्ट ऑफ सनलाइट। ठीक है, वो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द लोअर लेयर ऑफ द एयर। ऊपर की लेयर जो होती है वो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा होती है और नीचे की जो एयर होती है वो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में बहुत कम होती है। ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर की जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एयर की तो इस तरह से ये जो एयर है ये एयर जो सनलाइट के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा होगी, जो ऊपर की तरफ लेयर होगी, ये सन है, इस सन के कांटेक्ट में ये ऊपर की जो एयर होगी ये क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। इसकी वजह से ये एयर पूरी तरह से हॉट हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू दिस। ये नीचे की एयर जो होगी ये पूरी तरह से कैसी रहेगी? कोल्ड रहेगी, कोल्डर रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ऊपर की एयर हॉट हो जाएगी तो हॉट होने की वजह से ये कैसी होगी? लाइट होकर के ऊपर की तरफ ही बनी होगी यानी लाइटर होगी और ये नीचे वाली एयर जो होगी ये हैवियर होगी, भारी होगी और नीचे की तरफ बनी रहेगी। फ्रेंड्स, अब ये जो लाइटर एयर है, ठीक है, ये ऊपर एज अ रेयरर मीडियम की तरह से बिहेव करती है और नीचे कोल्डर एयर जो होती है ये डेंसर मीडियम की तरह से बिहेव करती है। नाउ आपने देख लिया कि एक ही एटमॉस्फेयर के अंदर एयर के अंदर क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, जिसकी वजह से रेयरर और डेंसर दो मीडियम बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब लाइट इस एयर के अंदर एंटर करेगी तो क्या होगी? वहाँ पर इसकी बेंडिंग होगी और बेंडिंग कैसे होगी? इसकी बेंडिंग कुछ इस प्रकार से होगी, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा और वो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस कोल्डर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है That is greater. कैसा होता है? Greater होता है, ज़्यादा होता है। The refractive index of colder, यानी n colder is greater than n hotter. यानी n h इसको हम नाम दे दें और इसको n c नाम दे दें नीचे वाले को। तो ऊपर वाली जो लेयर है इसकी refractive index कम है और नीचे वाले की ज़्यादा है, तो light नीचे की तरफ क्या होगी? Bend होगी, means towards normal. तो इस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर ये रिफ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? कंप्लीट होता है। बट वन मोर थिंग इज कि यहाँ पर ये जो मीडियम्स बन रहे हैं आपके रेयरर मीडियम या डेंसर मीडियम की बात यहाँ पर हुई, ये मीडियम इज नॉट परमानेंट मीडियम, दिस मीडियम्स आर टेम्प्रोरी मीडियम एंड विच इज फॉर्म बाय द हीटनेस ऑफ द एयर। ठीक है,
इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. समटाइम ये क्या होगा कि आप लाइट की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होने पर ये रेयरर और डेंसर मीडियम ये वेरी करेंगे. तो हम कह सकते हैं कि द रिफ्रैक्शन कॉज बाय द एटमॉस्फियर इज नॉट फिक्स, इट मे वेरी. ये क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, ये चेंज हो सकता है, बदल सकता है. ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज नॉट अ फिक्स रिफ्रैक्शन. ये क्या होता है, कभी कभी बदलता रहता है. और क्यों बदलता है, आपने देखा कि ये परमानेंट मीडियम के द्वारा नहीं होता. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द सम एग्जांपल ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. द वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. फ्रेंड्स, तारों का टिमटिमाना इज एन एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्स आर सो फार फ्रॉम अस, बहुत दूर होते हैं, एंड दे अपीयर्स इन द पॉइंट साइज. ठीक है, सो दे एक्ट एज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ये लाइट के एक पॉइंट सोर्स के रूप में काम करते हैं. वेन द लाइट कम्स फ्रॉम द स्टार इन द अर्थ एटमोसफियर, देन इट रिफ्रैक्ट बाई द एटमोसफियर, दैट इज एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, जिसकी वजह से ये नॉर्मल की तरफ क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं. और इनकी एक अपेरेंट पोजिशन, स्टूडेंट्स आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपेरेंट पोजिशन क्या होती है, यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, बन जाती है. ठीक है, तो अपेरेंट पोजिशन बनने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि इसकी एक दूसरी इमेज बन जाती है, एक दूसरी पोजिशन फॉर्म होती है, दिखाई देती है. द एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार इज हेयर, बट द अपेरेंट पोजिशन ऑफ स्टार इज लुक्स लाइक दिस. तो जब ऑब्जर्वर यहाँ पर अर्थ की सरफेस पर देखता है इस स्टार को, तो ये स्टार की अपेरेंट पोजिशन को देखता है. ठीक है, और दूसरी चीज मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है वो घटता बढ़ता है, चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से ये अपेरेंट पोजिशन स्टार की वो बदलती रहती, चेंज होती रहती है, और फाइनली ये स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, इसके अंदर ट्विंकलिंग हमको महसूस होती है. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. इसमें क्या होता है बच्चों, एट द सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज आर सनसेट, जब सन, देखिए सनराइज के समय अगर हम बात करें, वेन सन इज इन द हॉरिजन, जब सन क्या होता है, हॉरिजन के अंदर होता है, उस समय सन से चल करके आने वाली लाइट जो होती है ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इस सन के ऊपर उसकी एक अपेरेंट पोजीशन सन की बन जाती है, और वही पोजीशन आपको क्या होती है, अपीयर होती है, दिखाई देती है. स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अगर बात करूँ, आप यदि किसी ग्लास टम्बलर के अंदर आप एक क्वाइन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो आपको क्वाइन ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है. क्यों? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन उस क्वाइन की एक अपेरेंट पोजीशन ऊपर बन जाती है, जिसकी वजह से वो क्वाइन हमें ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है. सिमिलरली सन से जब लाइट चल करके एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी एक अपेरेंट पोजीशन उस सन के जस्ट ऊपर बन जाती है, जिसकी वजह से हमको ये लगता है कि वो सन क्या हो गया, राइज हो गया. तो हम 2 मिनट पहले ही एडवांस में, 2 मिनट एडवांस या बिफोर 2 मिनट हम उसके क्या कर लेते हैं, उसको हम राइज को देख लेते हैं. एंड सिमिलरली इसी समय सनसेट के समय ऐसे ही, जब सन हॉरिजन के पीछे चला जाता है, अगेन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, और उसकी एक वर्चुअल इमेज, यानी आप कह सकते हैं कि एक अपेरेंट पोजीशन फिर से उसके ऊपर क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है. यानी एक्चुअल में सन क्या हो गया, सेट हो गया, छिप चुका है, लेकिन उसकी एक अपेरेंट पोजीशन उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है, बन जाती है, जिसकी वजह से हम 2 मिनट डिले तक, यानी सन के छिप जाने के या सनसेट हो जाने के बाद भी हम उसको 2 मिनट तक क्या करते हैं, स्काई के अंदर 2 मिनट डिले तक देख सकते हैं. तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हम सन के 2 मिनट डिलेड सनसेट और एडवांस सनराइज को आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चंस आर हेयर ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. यू कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन बिकॉज सम क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट हेयर.
What is atmospheric refraction? Name, explain in brief the reason for advanced sunrise, delayed sunset, twinkling of star. Similarly, explain why the planet do not twinkle but the stars twinkle. बहुत ही simple है और important है. Planets जो होते हैं they are come closer in comparison to star and they appear bigger in size. ठीक है, तो इस वजह से इस planet जो है वो आपको twinkle करते हुए नहीं दिखाई देते. And finally, is the position of a star as seen by us its true position? Justify your answer. Friends, इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे. आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.